तो 15 पंचायत से आप ही मुखिया निर्वाचित हुई हैं, तो कैसे सफलता मिली? जनता के मदद से सफलता मिलती है। 5 साल सरपंच में हम अच्छा काम किए, इसलिए जनता ने हम लोग को मदद किया। इससे पहले आप सरपंच थे जी, क्यों चुने? काम नहीं किया, सड़क का जो काम हुआ, शिक्षा का काम हुआ, इंदिरा आवास हुआ, उसमें काफी घुस पैसा लिया, इसलिए उनको वोट नहीं मिला। तो आप चूंकि 15 में सरपंच थी, तो अब की बार मुखिया की जिम्मेवारी मिली है, नई जिम्मेवारी है, इसको कैसे करेंगे? अच्छा तरह से चलाएंगे, जो पंचायत में नहीं हुआ है वो सब काम अच्छा ढंग से करेंगे, और जनता को जो जो भी चीज का कमी होगा उसको पूरा कर सकेंगे। स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं रहती, उसको कैसे देखेंगे? शिक्षा के भी पूरा काम विकास करेंगे, जन वितरण का मामला में भी जितना हम लोग को सहयोग होगा उतना। नल जल का योजना है जो आप जाकर देख लीजिए, सभी नल पानी किसी को घर में आता है, किसी को नहीं है, किसी को नल लगा हुआ है, किसी को नहीं लगा, तो उसको ठीक कराएंगे एकदम सबसे पहले, वो सब करेंगे। जो आदमी को चलने के लिए रास्ता नहीं है, तो इस बार हम प्रचार में गए तो देखे, उस सब का पहला काम वो सब कर देंगे। महिला का भी सम्मान करेंगे, जो महिला आगे बढ़े और समाज का काम करे। 15 में वही होगा जो अभी तक नहीं हुआ, और अच्छा से अच्छा जो काम होगा सो हम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला। 15 में जो निर्वाचन हुआ है, आखिर कैसे सफलता मिली? देखिए, ये सफलता हमारा नहीं है जी। जिस वक्त हम चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, हमारी माता श्री इस पंचायत की निवर्तमान सरपंच थी जी, और इससे पहले जो पंचायती राज का कार्यकाल हुआ करता था, भारी टप था, उस सबको मैं पाटते हुए जब चुनाव का ऐलान हम मुखिया में किए, तो नाना भांति के लोग विरोधी अपना बोलने लगे, लेकिन हमारा धन्यवाद यहाँ के हम जनताओं को देते हैं, सभी जाति वर्ग किसी भी धर्म का हो, बिरादरी का हो, लाख बरगलाने के बाद हमको इतने मार्जिन से जीता है, इसलिए हम 15 के पंचायत के जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप तो पहले से कह रहे थे कि हम अब की बार जीतेंगे, लेकिन आपका विपक्षी कह रहा था कि आप लड़ाई में भी नहीं हैं। तो वो तो 26 तारीख को आप ही देखे, हम भी देखे हैं, जो देखने वाला वो देखा है। तो आखिर कैसे करिश्मा कैसे हो गया? इसमें कोई करिश्मा नहीं था, जो जिस वक्त हम चुनाव लड़ रहे थे, तो जब हम जाते थे किन्हीं मतदाताओं के दूरा पर, दरवाजे पर बैठे होते थे, तो मतदाता हमें ही बैठाते थे, बाकी जितने पंचायत प्रतिनिधि लड़ रहे थे वो जबरन जाके बैठ रहे थे। यहाँ ऐसे ऐसे गंदा खेल हमारे बारे में किए प्रतिनिधि लोग, जो हमारे विरोधी लोग थे, ऐसा ऐसा अफवाह उठाने लगे, ये है वो है, लेकिन हमारा जनता जो है, ये 15 पंचायत की महान जनता को हम कद्र करते हैं, जो सबके रखते हुए और हमको दहलीज पर लाके खड़ा कर दी है, और यह जो जनादेश हमको मिला है, इसको हम ऐसे करके दिखाएंगे जो आप 5 साल के बाद हमारा फिर बैठ लीजिएगा। काम बोलता है दीपक बाबू, हमारा जो जीत है हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, और संयोग से दक्षिण मुहे घूमल है, हिंदू का यह एक धर्म द्वार कहा जाता है, एक पैसा हमारा खर्च नहीं है, रुपया छोड़ दीजिए, हमारा एक पैसा खर्च नहीं है, ये हम एकदम जहाँ कहिए क्रिया खा के बोलेंगे। और यही बात हमारे कुछ पदाधिकारियों ने भी कहा, जो सरपंच रहते हुए मुखिया बनना इतनी आसान काम नहीं है, लेकिन आप जीत का मार्जिन देख लीजिए, हमर जितना से जीत है उतना हमारे विरोधी लोग को वोट भी नहीं पड़ा है। चंदन के लिए कोई चुनौतियां नहीं है, हमने जो सरपंच करके दिखाया है तो जनता विश्वास की है, और मुखिया करके दिखा देंगे ना तो आप लोग कहिएगा जो क्या काम हुआ है। भूमिहार जाति से आप हैं, और भूमिहार जाति से जो है प्रतिनिधि बनना काफी चुनौती भरा रहता है। देखिए, हम आपके लिए भूमिहार है जी, हम बरवरना है, बरवरना ऐसा कोई जात ही नहीं है जो हमारा नहीं चाहे और वोट नहीं दिया है। भूमिहार के कैंडिडेट एक थे जी, जो जातिवाद के नारा पर चुनाव लड़ रहे थे, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, हम जमात लेके चले हैं और चलेंगे, और हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगा भय मुक्त पंचायत बना देंगे। इससे पहले हमारी मतदाता एकदम सहमल रहा करती थी, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं, ये करेंगे वो करेंगे, इसका प्रत्येक का प्रतिउत्तर देते हुए, और विकास का गंगा नहीं बहाएंगे तो अगला बार वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो आपको इतना लग गया है कि जो जातिवाद की राजनीति करने वाला सफल नहीं होता है? वो तो 26 तारीख को आपको भी पता है, जातिवाद करने वाले को पता है, हम जात उत नहीं जानते हैं, हम कभी जात जाना ही नहीं, हमारे साथ जो रहा वो हमारे व्यवहार को जानता है। विरोधी लोग जात पात बोलने लगे, भूमिहार बैकवर्ड फॉरवर्ड फलना वार्ड चिलना वार्ड, कोई वार्ड नहीं, हम एकदम बरवरना वार्ड के आदमी हैं, और इसीलिए हम चुनाव। तो आप अपने आप को किस जाति के मानते हैं? हम बरवरना है, जहाँ तक जाति की बात हुआ तो हिंदू मुस्लिम रही है अभी जी। तो आप छपरा की जनता, मलंगा की जनता जाके देखिए, हम मिलाद में बैठ के भी
रहते हैं और सुंदरकांड का हम स्पेशलिस्ट हैं जी। जब हम धर्म में गाते थे तो हमारे यहाँ के विरोधी कहते कि जो ढोलक बजबैत रह या ढोलके बजत है, और हनुमान जी ने ऐसा कृपा किया जो शनिचर के दिन हमने ढोलक जनता के भी दरवाजे पर बजाया और अपने भी दरवाजे पर बजाया। तो जैसा आप मुस्लिम का नाम लिए तो मुस्लिम लोगों का भी समर्थन आपको मिला? पूरे पूरे, ऐसा कोई जाति धर्म बिरादरी और वर्ग का लोग नहीं है जो चंदन को वोट नहीं दिया। अभी के इतिहास में जिस तारीख से पंचायती राज लागू हुआ, बंद्रा पंचायत में हमसे अधिक मुखिया चुनाव जीतने वाला कोई उम्मीदवार ही नहीं। बंद्रा में जो दमंग प्रतिनिधियों का नाम गिना जाता है उसमें आपका भी नाम गिना जाता है, तो क्या है खौफ पैदा कर रहे हैं? हाँ, सही बात है। देखिए ये बात आपका लाजमी है, दमंग दो होते हैं जी, एक राम भी दमंग थे और एक रावण भी दमंग था। ठीक है। राम कहे थे जे दौन दंड करियहु खल तो ही और नष्ट होई श्रुति मारग मोही। हम वैसे दमंग है जो कुछ जो गलत राह पर दमंग है उनको हम समन करने के लिए दमंग है जी। जो हमारे जनता को भय दिखाए, बिचौलियों का राज करे, अनाप शनाप बोले, उसके लिए हम दमंग हैं। और दमंग का प्रचार भी हुआ था जो डाकू है, फलना है, ठेकान है, लेकिन हमर जनता कहा जे सबसे बड़ा चंदन हमारे, जैसे हमर दोस्त बोले हम वो दमंग है, हम उसके लिए दमंग है जो सामाजिक गतिविधियों में अवरोध डालता है, हम उसके लिए दमंग है। और जनता के लिए तो जहाँ खुजता वो यहाँ, वो तो न्याय क्या किए हैं सो 26 तारीख को पता है ना। हम न्याय करता नहीं है, हम तो हनुमान जी के पुजेरी हैं, हम नियत मात्र हैं। बल किन्हीं का है, वही बल को हम प्रदर्शन करते हैं, हनुमान जी के बल है, हम जनता में घूमते रहते हैं, यही रिजल्ट हुआ है। तो बंद्रा में कौन सी समस्या है जिसका समाधान आप त्वरित स्तर पर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम कहे जो जनता को भय मुक्त हम कर देंगे जी, ये हमारा गारंटी है। 2400 घंटा सेवा करेंगे और जो कोई नहीं किया है वो करके दिखाएंगे। अभी कुछ कुछ विरोधी अमर बोलते हैं जो मुखियागिरी ना चले दे भाई घुसखोरी में, हम चैलेंज उनको करते हैं। अगर एक जो हमारे रनर कैंडिडेट है, हम तो विनर हैं, हमारे एक जगह घुसखोरी करके बता दे तो मुखियागिरी करना छोड़ देंगे। तो पहला काम भ्रष्टाचार मुक्त बंद्रा, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त एकदम होगा। और विकास नहीं होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ फिर से वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमारा काम बोला है और बोलेगा। बंद्रा जो है सो बंद्रा पंचायत भी है और बंद्रा ब्लॉक का हेडक्वार्टर भी है, कहाँ का भ्रष्टाचार रोकेंगे? अब ये हम आपके चैनल से नहीं बताएंगे क्योंकि मीडिया महोदय आप है, इसका ब्रॉडकास्ट होगा। जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं, हमारा वसूल हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्यकाल आने दीजिए, स्वतः आप लोग को। तो इतना तो क्लियर कर देना पड़ेगा कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार पर आप रोक लगाएंगे, वो हनुमान जी जानेंगे जो क्या होगा, आने वाला समय का इंतजार करिए। जिसके लिए जनता लाई है वो 100% काम होगा। मैं किसी के दबाव में कोई काम नहीं करूंगा, हम पर किन्हीं का दबाव नहीं चलेगा। जनता जो चाहती है वही होगा, जिसके लिए हमको चुना है वही होगा। मुखिया के कार्य क्षेत्र में, हम तो मुखिया है नहीं, हमारी माता श्री मुखिया, लेकिन उनका हम प्रतिनिधि हूँ। तो मुखिया के दायरे में जो भी काम आते हैं 100% गारंटी के साथ एकदम हम धरती पर उतार देने का काम करेंगे, अधिक तो बोलेंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राकेश कुमार चंदन हुआ।